children hope you're all doing good let's start today's chapter measurements learning objectives the importance of measurements the units and instruments for measurements you would like to know how tall you are or how heavy you are you might have seen a tailor measuring cloth to make a dress when you go to the market to buy things the shopkeeper asks how much of each item you need we need to measure many things on our daily life लेंथ वेट वॉल्यूम टेम्परेचर एंड टाइम देर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग ईच ऑफ दीज लेट एस लर्न अबाउट हाउ टू यूज दम तो ये हम डेली लाइफ में ना हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है हम कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए जैसे टाइम मेजर करना है टेम्परेचर मेजर करना है लेंथ वेट टेलर के पास जाते हैं वो आपका मेजरमेंट लेता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए आप मार्केट में जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए तो आपसे पूछते हैं आपको कितनी रिक्वायरमेंट है आपको एक किलो चाहिए दो किलो चाहिए ग्राम्स में चाहिए राइट तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन ओली डेज पीपल यूज द बॉडी पार्ट्स सच इज हैंड्स एंड फीट टू मेजर लेंथ हाउ द साइज ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल

units ko kaha gaya non standard units we need standard units for measuring the length the standard unit of length is meter longer lengths are measured in meter short lengths are measured in centimeters rulers meter rods and measuring tapes are used for measuring length a meter rod or scale is divided into 100 equal divisions called centimeters each centimeter is further divided in 10 small divisions called millimeters अच्छा देखिए अब लेंथ को नापने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत थी तो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर ओके अगर लॉन्गर लेंथ है तो हम मीटर में मेजर करते हैं और अगर शॉर्टर है तो हम किस में करेंगे सेंटीमीटर्स में जैसे आपके रूलर्स मीटर रॉड्स एंड मेजरिंग टेप्स इनको यूज किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए राइट अब मीटर या Rod है या स्केल है वो डिवाइडेड होता है इक्वल में कहते हैं सेंटीमीटर ओके इसके बाद हर सेंटीमीटर फर्दर डिवाइडेड होता है हंड्रेड सेंटीमीटर में आपके वन मीटर होते हैं वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इज आर मेजर इन किलोमीटर अगर बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस है तो वो आपका किलोमीटर में नापा जाता है ज टॉलेस्ट ब्रिक मिनरट इट इज सेवेंटी दिल्ली में ये वर्ल्ड की मेजरमेंट ऑफ वेट वेट एज हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज वेट इज मेजर किलोग्राम ग्राम किलोग्राम इज रिटर्न एज के जी एंड ग्राम इज रिटर्न एज ग्राम

वन किलोग्राम में आपके होते हैं थाउजेंड ग्राम अब आपके कुछ बैलेंस होते हैं या तो आप इन कॉमन बैलेंस का यूज करते हुए हम वेट कौन मेजर करते हैं या फिर अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम टेल्स आज द क्वान्टिटी ऑफ ए लिक्विड वॉल्यूम इज मेजर इन लीटर्स एंड मिली लीटर्स लीटर इज रिटन एज एल एंड मिली लीटर इज रिटन एज एम एल लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर इन लीटर्स एंड स्मॉल अमाउंट्स इन वन लीटर इज इक्वल्स टू थाउजेंड मिली लीटर्स volume is measured using measuring cylinders and measuring cans you must have seen a milkman pouring milk into a container using a measuring can dekhiye volume kya batata hai ki liquid ki quantity kitni hai right to volume ko napa na jata hai liters ya fir milliliter mein Large amount of liquid है तो उसे आपका measure करेंगे liters में एंड अगर थोड़ा कम quantity है तो उसे हम milliliter में वन liter में आपके होते हैं थाउजेंड milliliter. अब देखिए जैसे मेजरिंग सिलेंडर मेजरिंग कैन इनसे लिक्विड को नापा जाता है जैसे आपने देखा होगा मिल्कमैन अपना जो मिल्क डालते हैं किसी के कंटेनर में उनके पास एक मेजरिंग कैन होता है तभी तो वो डालते हैं एक लीटर दो लीटर है ना इस तरह से मेजर करके मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर टेल आस हाउ हॉट आर कोल्ड इन ऑब्जेक्ट इज इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फैन इट इज मेजर यूजिंग अ थर्मोमीटर डॉक्टर्स यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट द नॉर्मल बॉडी टेमप्रचर ऑफ ह्यूम इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और नाइन्टी एट पॉइंट फोर डिग्री फेरन इफ द थर्मोमीटर शोज अ हाई टेम्परेचर इट मीन्स दैट द पेशेंट हेज अ फीवर अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की टेम्परेचर हमें बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है आपकी डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फेरिनइट और हम मेजर करते हैं इसको बाई यूजिंग अ थर्मोमीटर ठीक है आप हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी का टेम्परेचर आपका होता है कितना 37 डिग्री या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बॉडी का टेम्परेचर इस गिवन रेंज से ज्यादा होता है दैट मीन्स पेशेंट को फीवर है मेजरमेंट ऑफ टाइम टाइम इज मेजर्ड यूजिंग क्लॉक और वॉच टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड 60 सेकेंड इज इक्वल टू वन मिनट 60 मिनट्स इज इक्वल टू वन आवर एंड 24 फोर आवर्स इज इक्वल टू वन डे टाइम को हम मेजर करते हैं आवर्स में मिनट्स में या फिर सेकेंड्स में क्लॉक या वॉच की हेल्प से अब आपको पता है एक मिनट में आपके होते हैं सिक्सटी सेकेंड्स वन आवर में होते हैं सिक्सटी मिनट एंड वन डे में होते हैं आपके ट्वेंटी फोर आवर्स लेटेस्ट रिमेंबर लेंथ इज मेजोड इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स वीट इज मेजोर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स वॉल्यूम इज मेजोर्ड इन लीटर्स एंड मिली लीटर्स टेम्परेचर इज मेजोर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेटाइट टाइम इज मेजोर्ड इन सेकेंड्स मिनट्स एंड आवर्स लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं वेट को किलोग्राम या फिर ग्राम में वॉल्यूम को लीटर आठ मिली लीटर में टेम्परेचर आपका मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड टाइम तो आपको पता है मेजर किया जाता है सेकेंड्स मिनट्स या फिर आर्स में चिल्ड्रन आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे